नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह की मौत के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज लगातार ट्रोल हो रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम करण जौहर और सलमान खान का है। सुशांत के चाहने वालों का मानना है कि सुशांत बॉलीवुड में नेपोटिज्म का शिकार हो गए थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। ऐसे में लोग लगातार करण जौहर को लेकर भद्दे तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब लोगों की बयानबाजी को लेकर करण जौहर की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। इसके लिए वो पिछले एक महीने में उनके अकाउंट पर हुई साइबर बुलिंग को लेकर अपने वकील से बातचीत भी कर रहे हैं। यही नहीं, खबरें ऐसे भी हैं कि कुछ वकीलों की टीम और ऑनलाइन टेक एक्सपर्ट इसके लिए आगे आए हैं। टेक से जुड़े लोग सोशल मीडिया हैंडल को ट्रैक करेंगे, जहां लोगों ने करण पर धमकियों की बौछार की है। टेक एक्सपर्ट से मदद लेने की वजह यह है कि वो पता लगा सकेंगे कि धमकी देने वाले यूजर का ट्विटर हैंडल रियल है या फिर फेक, और अगर कुछ सबूत हाथ लगते हैं तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों से करण जौहर को लोगों की धमकियां सुननी पड़ रही है। ना सिर्फ करण बल्कि उनके दोनों जुड़वा बच्चे या करण से जुड़े लोगों को भी ट्रोलर्स लपेटे में ले रहे हैं। हालांकि इन ट्रोलर्स पर होने वाली लीगल कार्रवाई को लेकर फिलहाल करण जौहर की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। यानी कि जल्द ही ऐसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, साथ ही दोषी पाए जाने पर लाखों रुपए भी चुकाने होंगे और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। बताते चले कि करण जौहर से पहले सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग के मामले में कानूनी मदद ले चुकी है।